सो हेलो एवरी प्रोग्रामर्स, सो वेलकम बैक टू अवर पाइथन मास्टरी फुल कोर्स इन हिंदी। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स के बारे में। तो वहाँ पर हमने देखा था कि आखिर वेरिएबल क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और वेरिएबल को हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, और वेरिएबल को हम क्यों यूज़ करते हैं, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो ये सारे हमने टॉपिक्स पिछली वीडियो में कवर करे थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। लिंक आपको आई बटन या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और कमेंट्स को आखिर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपने वीएस कोड को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक अपनी पाइथन की एक फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। और इस फाइल का हम यहाँ पर नाम रख देते हैं tut3.py। उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर कमेंट्स होते क्या हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बताना चाहूँगा कि कमेंट्स हमारी वो लाइंस होती हैं, वो कोड्स होते हैं, जिनको कि हमारा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है। अगर आपको इंटरप्रेटर के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इंटरप्रेटर हमारा एक ट्रांसलेटर होता है, जो कि हमारे इस लिखे हुए कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और इसके अलावा जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरप्रेटर। और जो हमारी ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें इंटरप्रेटर का ही यूज़ होता है, और इसीलिए हम पाइथन को एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स हमारी वो लाइंस होती हैं जिसे कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बाकी अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर कमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली कमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। और गाइस, जैसा कि यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिंगल लाइन कमेंट्स यानी कि अगर हमें किसी सिंगल लाइन को कमेंट करना हो तो उसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और अगर हमें किसी मल्टीपल लाइन को कमेंट करना हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर हम सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे कर सकते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर प्रिंट कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वेलकम टू कोड विद शनि। तो अभी हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और अब मैं यहाँ पर एक और मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ हाउ आर यू। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो लाइन्स को यहाँ पर प्रिंट किया है। तो अगर हम यहाँ पर इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही हैं, यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं, राइट। लेकिन गाइस, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो हमारी पहली वाली लाइन है हेलो वेलकम टू कोड विद शनि, अगर मैं इस लाइन को प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये जो लाइन है वो मेरे यहाँ पर इस प्रोग्राम में रहे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस लाइन को मैं यहाँ पर एक कमेंट कर दूंगा। तो कमेंट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आना है और इसके आगे यहाँ पर आपको एक हैश लगा देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर हैश लगाएंगे तो ये जो पूरी लाइन है वो यहाँ पर कमेंट हो जाएगी। और अब अगर हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली वाली लाइन थी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जो यहाँ पर हमारा हाउ आर यू जो दूसरी वाली लाइन थी वही लाइन हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है। सो गाइस, ये तो था हमारा एक सिंगल लाइन कमेंट, क्योंकि गाइस हमने यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लाइन को ही कमेंट किया है। तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम यहाँ पर हैश का यूज़ करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर मल्टी लाइन्स कमेंट्स क्या होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जो हमारी दूसरी लाइन है मैं इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, और उसके बाद गाइस हम यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे और अब मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज शनि। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तीन लाइन्स को यहाँ पर लिख दिया है। तो अब आप मान लीजिए कि अगर मेरे को इन तीनों लाइन्स को एक ही बार में कमेंट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आपको यहाँ पर इसके शुरुआत में आना है और यहाँ पे आपको डबल कोट या फिर सिंगल कोट को तीन बार यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे आप इसको तीन बार टाइप करेंगे तो ये तीन डबल कोट यहाँ पर अपने आप ले लेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इन तीनों कोट को यहाँ पर कट करना है और यहाँ पर आपको लास्ट में इसको पेस्ट कर देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी तीनों लाइन्स है वो यहाँ पर कमेंट हो चुकी है।
और अब अगर मैं यहाँ पर इसके आगे कोई एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ हेलो गाइज, तो मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँगा, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ आ रहा है हेलो गाइज, यहाँ पर जो यहाँ पर हमने तीन लाइंस लिखी थी वो यहाँ पर नहीं आ रही हैं। बाय द वे हमने यहाँ पर कोई प्रिंट की कमांड नहीं लगाई है, इसलिए ये ऑब्वियसली बात है कि ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसी प्रिंट कमांड को इस कोड के अंदर अगर हम यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो ये जब भी प्रिंट नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ही बार प्रिंट हो रहा है। सो गाइस ये था हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं। तो कमेंट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के और कंट्रोल सी। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के और कंट्रोल सी बटन को प्रेस करेंगे, तो ये जो लाइन है वो यहाँ पर कमेंट हो जाएगी। बाय द वे अगर आपको वीएस कोड के जो शॉर्टकट्स की हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कीबोर्ड शॉर्टकट मिल जाएंगी। तो अभी हमने यहाँ पर कमेंट के बारे में सर्च किया था, अभी मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे वीएस कोड की जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर हम कमेंट का यूज़ क्यों करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कमेंट का यूज़ हम अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। जैसे कि गाइस हमने यहाँ पर एक प्रिंट कमांड का यूज़ किया है, तो अभी आप मान लीजिए कि अगर हमें प्रिंट कमांड के बारे में लिखना हो कि आखिर हम प्रिंट कमांड से क्या करते हैं, तो इस कमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके यहाँ पर आगे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक हैश लगाऊंगा, और अब मेरे को यहाँ पर जो भी लिखना है कमेंट में मैं वहाँ पर इसको लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे को इस प्रिंट कमांड के बारे में लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि प्रिंट कमांड किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी ये प्रिंट वाली कमांड थी उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब अगर आप इस कोड को एक या दो साल बाद देखेंगे, तो तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आखिर हम प्रिंट का यूज़ हम यहाँ पर क्यों करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कमेंट में लिख कर बता रखा है। और इसके अलावा गाइस हम यहाँ पर कमेंट का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा पूरा कोड है वो मोर रीडिएबल हो, यानी कि हम अपने कोड को बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ सकें और उसे आसानी तरीके से समझ सकें। सो गाइस ये था हमारा पूरा कमेंट का कॉन्सेप्ट, एंड आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से सही से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस कोर्स की आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाएँ। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।